दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय डीडीएम इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंदपुर बनेरा अपर डिस्ट्रिक्ट ऊना। शहीदी दिवस के मौके पर बुधवार को ऊना जिला के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला के सीमांत गांव सनोली में बुधवार को भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश अध्यक्ष अनिंदर सिंह नोटी, जिलाध्यक्ष ब्रिजेश शर्मा और ब्लॉक अध्यक्ष जरनैल सिंह के साथ साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इससे पूर्व गांव के ही गुरुद्वारा साहिब में सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अरदास भी की गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शहीद भगत सिंह के विचारों का आदान प्रदान किया गया। खुशी की बात है पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए, साथ लगते पंजाब के लिए, दूर दूर तक जहां भी आपके चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण जाएगा वहां तक ये आज भी बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है, क्योंकि भगत सिंह जी की जो सोच है वो आज भी प्रासंगिक है। उनकी जो लड़ाई थी वो सिर्फ आजादी के लिए नहीं थी, इस देश में आजादी के बाद जो दूसरी भी आजादी है, भ्रष्टाचार से आजादी है, सामाजिक एकता की बात है, धर्म जातीय भेदभाव को मिटाने की बात है, और जिन बातों को सोच के भगत सिंह चलते थे वो बातें और वो समस्याएं आज भी कहीं ना कहीं समाज में उसी तरह से बनी हुई है या कुछ कम हुई है, तो उनको और हटाने के लिए, समाज को और अच्छा बनाने के लिए भगत सिंह जी की सोच की जरूरत है। और ये प्रतिमाएं नौजवानों को आकर्षित भी करेंगी, उनका मार्गदर्शन भी करेंगी, और इसी के बहाने वो जुटेंगे, भगत सिंह जी को पहचानेंगे, जानेंगे उनके विचार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ऊना से मुनिंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट। जिला ऊना के नामी शिक्षण संस्थान डीडीएम इंटरनेशनल स्कूल गोंदपुर बनहेड़ा अपर में नए सत्र हेतु दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है। स्कूल के प्रधानाचार्य नरेंद्र शर्मा ने बताया कि सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत नर्सरी से प्लस टू कक्षा तक नॉन मेडिकल, मेडिकल एवं कॉमर्स संकाय में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गया है, जिसमें विद्यार्थी स्कूल आकर दाखिला ले सकते हैं।
एडमिशन हेतु जानकारी के लिए उनके नंबर 9418118568 पर संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन होते ही विद्यार्थियों की पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी ताकि विद्यार्थियों का कोरोना वायरस की वजह से कीमती समय बर्बाद न हो। नरेंद्र शर्मा ने बताया कि स्कूल में अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम के अलावा अत्याधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब के साथ साथ ई लाइब्रेरी और योग्य एवं अनुभवी अध्यापक उपलब्ध है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों का मुकाबला कर सके। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें